हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या विज। आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जो आपके सिलेबस के जो थर्ड पॉइंट है, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जानते हैं, उनकी जो पॉइंट जो सिलेबस में दी गई है डेफोडिल, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उस पॉइंट को पढ़ने से पहले हम जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में और जिस एज से वो बिलोंग करते थे, इंग्लिश लिटरेचर की जिस एज से वो बिलोंग करते थे, रोमांटिक पीरियड, उसके बारे में। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं रोमांटिक पीरियड के पढ़ेंगे और उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में सब कुछ आपको यहाँ पे बताऊंगी और साथ में रोमांटिक पीरियड क्या था, कब आया, कैसे, कब तक था और कौन कौन सी इस समय में इम्पोर्टेंट पोइट्स वगैरह हुए, वो सब आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बड़े ध्यान से लेक्चर को सुनिए, समझिए, ताकि एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन सही हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ, और विलियम वर्ड्सवर्थ जिस एज से बिलोंग करते थे वो था रोमांटिक पीरियड। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रोमांटिक पीरियड के बारे में बता देती हूं। रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक पीरियड स्टार्ट होता है विलियम वर्ड्सवर्थ का और एसटी कॉलरिज का एक वर्क आता है लेजिकल बेराड 1798 के अंदर, और इसी के साथ जो रोमांटिक पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। तो रोमांटिक पीरियड स्टार्ट होता है 1798 में, विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क आता है एसटी कॉलरिज के साथ में लिरिकल बैलाड, वो भी आपको आगे मैं लेक्चर में सारा समझाऊंगी, सारा बताऊंगी उसके बारे में भी। तो 1798 से लेकर के 1837 तक ये टाइम पीरियड रहा था। 1837 के अंदर ब्रिटेन के अंदर क्वीन विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी बनती है, ब्रिटेन की गद्दी पे बैठती है, रानी बनती है। तो उस समय के बाद जब क्वीन विक्टोरिया का जब शासन आता है तो वहां से 1837 से यहाँ पर विक्टोरियन एज स्टार्ट हो जाती है और लेकिन जो रोमांटिक पीरियड जो था वो इतना ज्यादा प्रभावी था, इन्फ्लुएंसेबल था कि विक्टोरियन एज के अंदर भी रोमांटिक पीरियड का पूरा इन्फ्लुएंस रहता है पोइट्स के ऊपर, लोगों के ऊपर, राइटर्स के ऊपर। तो इससे पहले रोमांटिक पीरियड से पहले की एज अब मैं आपको बता दूं कौन सी थी। तो इससे पहले इनलाइटमेंट एज थी, इनलाइटमेंट एज थी। इस एज के अंदर जो मेनली जो पोएट्स और राइटर्स थे वो स्ट्रेस देते थे रीजन पे, रीजन पे, फैक्ट्स पे, इन चीजों की बात होती थी, साइंस की, मींस कि जो लोग थे वो बहुत ज्यादा रीजनेबल सोचते थे, प्रैक्टिकल सोचते थे और जो सोसाइटी है उससे इमोशंस कहीं गायब हो गए थे लोगों में, सोसाइटी के अंदर इमोशंस नहीं रहे, लोग रीजनेबल रीजंस, रीजन के बारे में ज्यादा सोचते थे। तो इस कारण से जो रोमांटिक एज के जो पोएट्स थे उनको, मतलब जो ये इनलाइटमेंट एज के जो एक तरह से हम कह सकते हैं ना, एक भौतिकवादी सोच जो थी उसने मजबूर किया कि ये रोमांटिक पीरियड के जो लेखक है वो अपनी राइटिंग्स लिखे, क्योंकि ये समाज के अंदर इमोशंस को वापस लाना चाहते थे। और इसके पीछे थोड़ा सा जो रीजन है वो मैं आपको बता दूं, ये जो इनलाइटमेंट जो एज थी इस समय के अंदर कुछ काम, कुछ ऐसी घटनाएं थी जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इस समय में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जिसके कारण जो लोग जो थे उनकी जो लोग थे वो काम करने के लिए शहरों में जाने लगे और जो विलेज से, विलेज के अंदर पॉपुलेशन कम होने लगी, शहरों के अंदर पॉपुलेशन बढ़ने लगी, लोग झुग्गी झोपड़ियां बना करके या जैसे 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 भी रहा जा रहा है वो वहां पे रहने लगे, सिटीज थी, नए नए सिटीज बनने लगे, क्राउड होने लगा और इससे क्या हुआ कि बीमारियां फैलने लगी।
तो ये सब जो सारी सिचुएशन आई, तो उस सब में मतलब भीड़ भाड़ शहर का माहौल, तो एक तरह से पूरी तरह से मतलब नेचर जो थी ना वो सब गायब हो गई। लोगों की लाइफ से नेचर गायब होती जा रही थी, लोगों की इमोशंस गायब होती जा रही थी। तो जो रोमांटिक पीरियड जो था, इसका रोमांटिक पीरियड से यहाँ मतलब हमें ये मत लगाना कि ये लड़का या लड़की वाला रोमांस है, वो नहीं है। रोमांटिक पीरियड का इंग्लिश लिटरेचर में मतलब है लव ऑफ नेचर, कि जो नेचर के बारे में, जिन नेचर के ऊपर जिन पोएट्स ने अपनी पोएट्री लिखी, राइटर्स ने अपने वर्क्स लिखे, उन्हें रोमांटिक पीरियड के राइटर्स बोला गया है, रोमांटिक एज के राइटर्स बोला गया। तो विलियम वर्ड्सवर्थ इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो वर्क है लिरिकल वेलाड, लिरिकल वेलर्स, ये 1798 में पब्लिश होता है और इसके चार एडिशन आए थे। ये फर्स्ट एडिशन था। इसके बाद जो सेकंड एडिशन आता है वो आता है ए प्रीफेस टू लिरिकल वेलर्स, इसके बाद थर्ड एडिशन और इसके बाद में फोर्थ एडिशन। तो ये चार एडिशंस आए लिरिकल बैलाड, जो ये सबसे फर्स्ट एडिशन आया, इसमें जो राइटर थे ये किस किस ने लिखा था, विलियम वर्ड्सवर्थ, प्लस एसटी कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिलकर के ये लिखा था ये वर्क। लेकिन जो ये फर्स्ट जो वर्क ये पब्लिश हुआ 1798 के अंदर, इस वर्क के अंदर ना तो विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम था और ना ही एसटी कॉलरिज का नाम था, और ये और इस वर्क का कोई प्रीफेस भी नहीं था। और जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उन्होंने अपने सेकंड जो ये लिरिकल प्रीफेस टू लिरिकल बैलर, इसके अंदर जो इसका जो प्रीफेस विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, इसके अंदर इन्होंने बोला कि जो ये फर्स्ट जो मेरा वर्क था या जो फर्स्ट जो लिरिकल बैलर का जो एडिशन आया था वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, वो देखना चाहते थे, क्योंकि इनके टाइम के जो राइटर्स थे वो नेचर को नया, नेचर पर नया लिख करके वो साइंस के ऊपर, फिक्शन के ऊपर और रीजनिंग के ऊपर, रीजन के ऊपर लिखते थे। तो इस कारण से ये जब इन्होंने कुछ बिल्कुल हट करके कुछ एक नई पोएट्री लिखी, तो ये इनका एक एक्सपेरिमेंटल वर्क था जो कि काफी सक्सेसफुल रहा, जितना इन्होंने सोचा उससे कहीं ज्यादा सक्सेस इस वर्क में इनको मिली। इसके बाद इनके नेक्स्ट थ्री एडिशन आते हैं और ये जो सेकेंड एडिशन था फिर इसमें प्रीफेस जोड़ा गया और ये इसका नाम दिया गया प्रीफेस टू लिरिकल बैलर्ड्स। और इस वर्क के अंदर, इस जो फर्स्ट एडिशन था इसमें किसी राइटर का नाम नहीं था, लेकिन जो सेकंड एडिशन आया इसके अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम था, जो प्रीफेस था इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का ने अपना नाम दिया था। इसके बाद थर्ड और फोर्थ एडिशन, तो जो ये फर्स्ट जो एडिशन था इसके अंदर 19 जो पोएम्स थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ की थी और प्लस जो फोर पोएम्स थी वो कॉलरिज की थी, और इसके अंदर जो बड़ी पोएम्स थी इसके अंदर एक तो टिंटरनाबे, और राइम टू द एंशियंट मैरिनर, ये जो ये काफी बड़ी पोएम है और ये कॉलरिज की पोएम है जो कि काफी फेमस हुई थी। तो ये ऐसे टिंटरनाबे और ये टिंटरनाबे ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। तो ये इस जैसी बड़ी पोएम्स भी इस एडिशन के अंदर डाली गई थी। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था जो इन्होंने नेचर के ऊपर पोएम्स लिख करके किया था। अब आपने ये बात तो कई बार पहले भी सुनी होगी या मैंने भी अभी समझाया कि
कि जो विलियम वर्सवर्थ और एसटी कोलरिज का जो ये लिरिकल बैलाड 1798 में आया, तब से ये रोमांटिक एज स्टार्ट हुई। और ये जो रोमांटिक एज होती है, क्या होती है कि इस रोमांटिक एज के पीरियड के जो राइटर्स थे, इन्होंने नेचर के ऊपर फोकस करके लिखा, नेचर को, क्योंकि ये लोगों को फिर से नेचर से कनेक्ट करना चाहते थे ताकि वापस लोगों के अंदर इमोशंस क्रिएट हों। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि क्या इससे पहले क्या कोई कोई भी चीज अचानक से घटित हो जाती है, ऐसा तो नहीं होता। अब जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने फर्स्ट टाइम कोई नेचर पे पोइम लिखी और वो सक्सेसफुल हो गई और एकदम से रोमांटिक पीरियड आ गया, ऐसा तो नहीं था। इससे पहले भी कुछ राइटर्स रहे होंगे जिन्होंने कोशिश की होगी, जिन्होंने लिखा होगा, तो ऐसा ही था। रोमांटिक जो पीरियड जो 1798 में स्टार्ट होता है, उसमें रोमांटिक जो पोएट्री थी वो बहुत पहले से लिखी जा रही थी, राइटर्स थे वो लिख रहे थे, लेकिन वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रही थी। लिखा इस पे ज्यादा था, विलियम वर्ड्सवर्थ के जब ये वर्क आता है तो उस समय से इनको सफलता मिलनी स्टार्ट होती है और इसको पहचान मिलती है और रोमांटिक पीरियड स्टार्ट होता है। तो इससे पहले के कुछ राइटर्स जो थे जिन्होंने नेचर के ऊपर पोएट्री लिखी थी, हट करके जो उस समय के पीरियड के जो राइटर्स लिखते थे उससे हट करके जो वर्ड्स लिखते थे, इनको ग्रेवियार्ड पोएट्स बोला जाता था, ग्रेवियार्ड पोएट्स। ग्रेवियार्ड पोएट्स, ये पोएट्स ऐसे पोएट्स थे जो कि विलियम वर्डवर्थ से 1798 से पहले ही ये लोग लिख रहे थे और इनको कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला इनके वर्क्स को और इन्हें। तो इन ऐसे पोएट्स जिन्होंने रोमांटिक पीरियड के जो नेचर के ऊपर जो पोएट्री थी उसको वो पहले से जिन पोएट्स ने लिखा था और जिनको कोई पहचान नहीं मिली, इन्हें ग्रेवियार्ड पोएट्स बोला गया। और इसके ग्रेवियार्ड पोएट्स के अलावा कुछ दो पोएट्स हैं, एक है रॉबर्ट बर्न जिन्होंने पहले से ही नेचर के ऊपर पोएट्री लिखी थी, और सेकंड विलियम ब्लेक। अब जो विलियम ब्लेक है, इन्हें ग्रेवियर पोएट तो हम नहीं कह सकते क्योंकि इन्हें जो रिकॉग्नाइजेशन इनके वर्क्स को मिला वो इनकी डेथ के बाद मिला था। ठीक है, बाद में इनको माना गया कि ये कितने बड़े पोएट थे, कितने बड़े राइटर थे, तो जब इनके जो लाइफ टाइम था उस समय तो इनके वर्क्स को रिकॉग्नाइजेशन मिल ही नहीं पाया, इनके वर्क्स को कुछ भी नहीं समझा गया। लेकिन जब बाद में जब इसके ऊपर क्रिटिक्स ने अपने क्रिटिसिज्म करने स्टार्ट किए, क्रिटिक्स ने देखा कि इन्होंने तो बहुत अच्छा लिखा है, और तब पता लगा लिटरेचर की हिस्ट्री में कि विलियम ब्लेक कितने बड़े राइटर हुए थे। तो विलियम ब्लेक की जो पोएम आई थी Songs of Experience, ये 1794 में आई, और Songs of Innocence, ये 1798 में आई। तो ये विलियम ब्लेक भी रोमांटिक एज के पोएट माने हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं हम जो पोएट्स थे, ये रोमांटिक एज के जो पोएट्स थे वो दो पार्ट्स में डिवाइड थे, एक थे फर्स्ट जनरेशन पोएट्स और एक थे सेकंड जनरेशन पोएट्स। तो फर्स्ट जनरेशन के पोएट्स थे, इनमें कौन थे, रॉबर्ट बर्न, विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ एसटी कॉलरिज रॉबर्ट
रॉबर्ट साउथी, चार्ल्स लैम और रॉबर्ट स्कॉट। तो जो चार्ल्स लैम है इन्हें प्रिंस ऑफ ऐसे भी बोला जाता है, प्रिंस ऑफ एसेज, और जो रॉबर्ट साउथी हैं ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे इससे इनसे पहले ये पोएट ल्यूरेट भी रह चुके थे, ब्रिटेन के पोएट ल्यूरेट। पोएट ल्यूरेट भी थे एस टी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ। और जो विलियम वर्ड्सवर्थ को जो लिरिकल बेलार्ड से जो इनको इतना नाम मिला था और इन्हें एक पहचान जो मिली थी विलियम वर्ड्सवर्थ को, उसमें एस टी कॉलरिज का बहुत बड़ा हाथ था। एस टी कॉलरिज की बहुत बड़ा शेयर जाते हैं एस टी कॉलरिज को। इसके बाद भी जो सेकेंड जनरेशन के पोइट्स थे, सेकेंड जनरेशन के पोइट्स के अंदर जो आते हैं जेन ऑस्टिन, लॉर्ड बेरन, लॉर्ड बैरन, कीट्स और पीबी शेले और इनकी वाइफ मैरी शेले। तो ये सेकंड जनरेशन के पॉइंट थे। और इस समय में जो जेन ऑस्टिन है ये इस टाइम की जो फीमेल राइटर है, फेमस फीमेल राइटर हुई। इनको भी अपने लाइफ टाइम इनके वर्क्स को इतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, लेकिन बाद में इनके वर्क्स को भी अच्छा रिकॉग्नाइजेशन बाद में दिया गया, क्योंकि उसमें फीमेल्स ज्यादा लिखती नहीं थी और इसलिए इनके जो वर्क्स थे वो जला भी दिए गए थे और जो पब्लिशर थे उन्होंने इनके वर्क्स को छापने से मना कर दिया था। अब इसके बाद में जो लॉर्ड बेरन थे, लॉर्ड बेरन जो थे ये पोएट्री के अंदर ये नेचर के ऊपर, नेचर का जो एक तरह से जो बुरा रूप जो होता है, एक तरह से विध्वंसक जो रूप होता है, भयानक रूप होता है, उसके बारे में ज्यादा लिखते थे लॉर्ड बेरन। तो अब ये फर्स्ट जनरेशन और ये सेकेंड जनरेशन के पोएट्स थे। अब हम पढ़ते हैं ये सारा रोमांटिक पीरियड आपको समझ आ गया होगा। रोमांटिक पीरियड स्टार्ट होता है 1798 से और खत्म हो जाता है 1837 में, जब विक्टोरियन एज स्टार्ट होती है। 1837 में विक्टोरियन एज स्टार्ट होती है क्वीन विक्टोरिया के साथ ही, और इसी के साथ यहाँ पर रोमांटिक पीरियड स्टार्ट खत्म हो जाता है। लेकिन विक्टोरियन एज के जो राइटर्स थे उनके ऊपर भी रोमांटिक पीरियड के राइटर्स का इन्फ्लुएंस रहा था। तो ये तो हमने पढ़ा, मैंने आपको समझाया रोमांटिक एज के बारे में कि रोमांटिक एज थी क्या, और अब हम पढ़ते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। क्योंकि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है या जो रोमांटिक एज के जो राइटर्स हैं, जैसे कि ये कीट्स और शेले, इनका वर्क भी आगे आएगा आपके जो नेक्स्ट जो पोएम्स है वो कीट्स और शेले की है, तो इनको पढ़ेंगे तो उसके लिए भी रोमांटिक पीरियड को समझना बहुत जरूरी था। इसलिए मैंने स्पेशली अलग से ये सारा आपको समझाया है जो जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीजें। तो अब हम बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, इनका जन्म हुआ था 1770 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1850 में। 80 इयर्स का इनका लाइफ टाइम था। और जो इनके जो फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक ही था, पांच जो इनके बहन भाई थे, सिबलिंग्स थे, जिनमें से ये दूसरे नंबर के थे। इनकी मदर का नाम एन कुकसन और इनके फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था। इन्होंने अपनी स्टडीज सेंट जॉन्स कॉलेज
कैम्ब्रिज से की थी। '71 के अंदर इन्होंने यहां से ग्रेजुएट की डिग्री ले ली थी। अब जो इनके जो मदर और फादर थे, जब इनके फादर जो थे ये तरह से बाहर ही रहते थे काम के कारण, तो इनके जो ये बच्चे थे, ये पांचों बहन भाई, इनके अपने फादर से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था। और इनकी मदर की जब डेथ होती है उसके बाद में इनकी एक बहन है जो कि इनकी, हमें इनके बारे में जानना जरूरी है कि जो कि इनकी, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, इनके काफी राइटिंग्स में ये अपनी बहन का नाम लेते हैं डोरोथी। ये इनकी सिस्टर थी डोरोथी, और जो ये सिस्टर जो इनकी थी डोरोथी, जब इनकी माँ की मृत्यु हुई तो इनके फादर ने डोरोथी को अपने किसी रिलेटिव के पास रहने के लिए भेज दिया, और जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे इन्हें स्टडी करने के लिए कहीं भेज दिया। तो इस तरह से हुआ क्या कि जब ये दोनों बहन भाई अलग हो गए और 9 साल तक ये अलग रहे और उसके बाद में ये मिले, तो डोरोथी इनके साथ लाइफ टाइम रहती है, इनके साथ काफी क्लोज रिलेशन थे विलियम वर्ड्सवर्थ के। तो अब हम जानते हैं, एक तो इनके जो करेक्टर विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ हमारा जानना जरूरी है, वो इनकी बहन डोरोथी, दूसरी इनकी वाइफ मैरी, और इसके मैरी को ये बचपन से ही जानते थे, इनके साथ ही पढ़ी हुई थी और इसी के साथ फिर ये शादी करते हैं मैरी, और इसके बाद में कॉलरिज, जिनसे जो इनके दोस्त बन गए थे 1795 के अंदर, ये इन्हें समरस्मिथ में मिले थे और वहीं से इनकी दोस्ती हो गई थी, और कॉलरिज के साथ ही इन्होंने अपना फर्स्ट वर्क, जो मोस्ट जो इन्फ्लुएंशियल वर्क था 1798 में, लिरिकल बैलाड निकाला था। तो इसके बाद में हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की। जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे ना, इनके समय में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, और इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का रोमांटिक एज के ऊपर भी काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा, और साथ ही विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ पर भी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ 1791 में ये फ्रांस गए थे, और 1792 में ये वहां से, जो पॉलिटिकल जो सिचुएशंस थी फ्रांस और ब्रिटेन की, वो बिगड़ने के कारण ये वापस आ गए थे। तो जब ये फ्रांस में थे तो इनके एक गर्लफ्रेंड बनती है एनेटी, एनेटी वैलोन, ये नाम थोड़े अजीब हैं तो बीच में देखने पड़ते हैं, दिमाग से स्किप हो जाते हैं। एनेटी वैलोन इनकी गर्लफ्रेंड थी। यहाँ पे जब ये फ्रांस गए तो इनके साथ इनका ये इनकी गर्लफ्रेंड रही, इनके लव रिलेशन हुए, और इनसे इनकी एक बेटी भी हुई कैरोलिन, और 1792 की बात है। फिर इसके बाद में ये शादी कर लेते हैं मैरी से। जब ये मैरी से शादी करते हैं उसके बाद में कैरोलिन को, जो उनकी बेटी थी, उसकी संभाल करते हैं, उसको पैसे वगैरह भी भिजवाते हैं। तो अब हम बात करते हैं, हमने ये इनके पर्सनल लाइफ के बारे में जान लिया। ये 1843 के अंदर पोएट लॉरेट बनते हैं, और इनसे पहले रॉबर्ट साउथी, ब्रिटेन के पोएट लॉरेट थे, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ के कारण इनकी छवि धुंधली पड़ जाती है, क्योंकि इनकी जो राइटिंग्स थी वो बिल्कुल हटकर की थी, नेचर के ऊपर ही काफी अच्छा लिखते थे। तो अब हम बात करते हैं इनकी लिखने के स्टाइल के ऊपर, कि किस तरह की पोएट्री, किस तरह के इनके विचार थे अपने पोएट्री के बारे में, किस तरह से क्या इनके पर्सनल विचार थे एज ए पोएट, ठीक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ मेनली नेचर के बारे में लिखते थे,
ये नेचर से प्यार करते थे, नेचर में रहना ही इन्हें पसंद था, और इसीलिए ये नेचर के बारे में ये मानते हैं कि जो नेचर जो है वो मनुष्य को सबसे ज्यादा मनुष्य को शांति देती है, पीस देती है। और नेचर के बारे में जो इनका एटीट्यूड था वो हमेशा पॉजिटिव जो पॉइंट होते हैं नेचर के, कि नेचर से हमें पीस मिलती है, शांति मिलती है, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, जो इनके पॉजिटिव फैक्ट होते हैं नेचर के वो उसके ऊपर फोकस करते थे अपनी राइटिंग्स के अंदर। जबकि मैं जो दूसरी तरफ जो लॉर्ड बैरन थे, मैं अभी पीछे अभी मैंने बताया था ना, लॉर्ड बैरन ये क्या करते थे, ये प्रकृति का जो भयानक रूप होता है उसके बारे में लिखते थे। जबकि विलियम वर्डसवर्थ के साथ ऐसा नहीं था, वो नेचर के अंदर लव, पीस, फेथ ये सब चीजें ढूंढते थे। और ये एक बात भी कहते थे विलियम वर्डसवर्थ कि अगर तुम नेचर को प्यार करो, अगर सच्चे मन से तुम उसे प्यार करो तो नेचर तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देगी। ठीक है, तो ये इनकी सोच थी और नेचर पर ये काफी अच्छा लिखते हैं और काफी कुछ इन्होंने जो लिखा है वो नेचर के ऊपर ही लिखा है। तो पॉइंट्स मेनली इन्होंने लिखी हैं और 1850 के अंदर 1843 से 1850 तक, अपनी डेथ तक, टिल हिज डेथ ही वाज अ पोएट ल्यूरेट ऑफ ब्रिटेन, कि वो ब्रिटेन का पोएट ल्यूरेट रहा था विलियम वर्ड्सवर्थ जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। तो ये था सारा विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क और आता है द प्रील्यूड, इसके बारे में भी मैं थोड़ा बता देती हूँ। जो विलियम वर्ड्सवर्थ को आप बता रहे हैं, तो जो द प्रील्यूड जो वर्क है ये इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफी है। ये इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफी है जिसे इन्होंने 1798 में लिखना स्टार्ट किया था और 1850 में इनकी मृत्यु के बाद में इनकी वाइफ जो थी वो इसे पब्लिश करवाती है द प्रील्यूड को। और इसके ये जो नेचर के बारे में एक चीज और बोलते थे कि जो नेचर है ना वो मनुष्य की सबसे ग्रेट टीचर है, मतलब जो नेचर जो हमें सिखा सकती है उसे नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है, वो ग्रेटेस्ट टीचर है नेचर। नेचर को वो टीचर बोलते थे, वो बोलते थे कि नेचर जो हमें सिखा सकती है वो हम कहीं नहीं सीख सकते, जो हम नेचर से सीख सकते हैं। तो ये द प्रील्यूड इनकी सेमी ऑटोबायोग्राफी थी। इनकी पोएट्री के बारे में एक चीज और है लास्ट, कि जो इनकी पोएट्री जो थी, इन्होंने पोएम्स या पोएट्री के अंदर का काम करना स्टार्ट किया 1793 के अंदर, इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था और 1795 में ये कॉलरिज से मिलते हैं, 1795 में, और मिलते ही ये दोनों वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज फ्रेंड्स बन जाते हैं। और 1798 के अंदर इनका जो ज्वाइंट एडिशन है वो आता है लिरिकल बैलाड। तो ये सब इनके लाइफ के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने डिस्कस कर ली। रोमांटिक एज के बारे में जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सब हमने डिस्कस कर लिया। तो यही हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे ओवर होता है, और जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे जो इनकी पोएम जो है डैफोडिल्स, जो आपके सिलेबस में दी गई है, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। होप सो आपको सब समझ आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।